खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां सदर क्षेत्र के मंजोभा ग्राम में पुनवासी पुत्र ननकू, करिया पुत्र राजकुमार, बलवंत सरवन पुत्र मेढ़ा, अशोक पुत्र लक्षण, बेचन पुत्र झुरी, हरिराम, श्रीराम, सुदामा आदि अतिक्रमणकर्ता लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रखा था। ऐसे लोगों के खिलाफ गहमा गहरी के बीच फिर बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ा और जिन लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया था, मामले में नायब तहसीलदार नीरज त्रिपाठी, प्रभारी राजस्व निरीक्षक पौहारी सिंह लेखपाल, अवनेश कुमार सिंह, ब्रजेश त्रिपाठी, रमाकांत सक्सेना के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान ग्राम समाज की जमीन पर किए गए निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार ने बताया कि मंचोभा क्षेत्र में काफी ज्यादा ग्राम समाज की जमीन है, इस पर ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इसको लेकर लेखपाल ने ग्रामीणों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। इसके बाद नायब तहसीलदार प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। आजमगढ़ जनपद से रामेश्वर विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सर, मंचोभा गांव में बुलडोजर चला गया, क्या मामला था? मंचोभा गांव में चकमार्ग आराजी नंबर 142 थी, जिस पर कुछ लोगों का अतिक्रमण पाया गया था, जिनके खिलाफ तहसीलदार साहब के न्यायालय में बेदखली का कार्रवाई किया गया था और उसमें तहसीलदार साहब के न्यायालय से बेदखल किए जाने का आदेश पारित हुआ था। उसके क्रम में कल मंचोभा गांव में जो अतिक्रमणकर्ता हैं, अशोक, बलवन, सरवन, बाढ़ू, संजय, बेचन, करिया उर्फ रामरू, पुनवासी, सुदामा, इन सबका अतिक्रमण कल उस आदेश के क्रम में, न्यायालय के आदेश के क्रम में हटाया गया। जो थे लगभग 5 साल से वो अतिक्रमण खाली कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे थे। तहसील दिवस में भी कम से कम 25 बार उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। इसके पहले अतिक्रमण हटाया गया था और कुछ अतिक्रमण वहाँ पर शेष था, उसके साथ साथ मलबा भी शेष था, जिसको तहसीलदार साहब न्यायालय के अनुपालन में, आदेश के अनुपालन में कल जाकर के पूर्णतः उसको साफ करा करके खाली करा दिया गया।